दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक दवा कंपनी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि ये सभी नकली रेमडेसिविर 25,000 रुपए में बेचा करते थे। पुलिस ने कंपनी से करीब 200 नकली रेमडेसिविर को बरामद करने का दावा भी किया है। अपने जवानों को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने नया आदेश जारी किया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सिपाही से लेकर एएसआई को अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और इसी कैटेगरी के कर्मचारियों में जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी लेकिन उनको कोई गंभीर बीमारी होगी तो उनको भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा थाने से 1 घंटे की दूरी पर रहने वाले पुलिसकर्मियों को काम करने वाली जगह के पास ही आवास मुहैया कराने के लिए कहा गया है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की होगी। यूपी के कानपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर को रिफिल करते समय जबरदस्त हादसा हो गया। सिलेंडर रिफिल करने के दौरान वो फट गया और वहां काम कर रहे 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरे मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना संक्रमण के दौर में कानपुर में जबरदस्त ऑक्सीजन का संकट देखने को मिल रहा है। इसी दौरान पनकी में स्थित इस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। आपको बता दें कि देर रात में यहां पर काम चल रहा था और सुबह तड़के यहां पर विस्फोट हो गया जिसके चलते कई मजदूर घायल हो गए हैं और 1 मजदूर की मौत हो गई है। फैक्ट्री प्रशासन फिलहाल मामले में कोई जानकारी देने से बच रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह विस्फोट कितना बड़ा था, किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ और ये ऊपर की जो छत है वो पूरी तरीके से उड़ गई है और नीचे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि विस्फोट को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं फैक्ट्री प्रशासन यह बताने को तैयार नहीं है कि इस विस्फोट में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हालाँकि एक जो मज़दूर है वो दबा हुआ है आगे, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और फैक्ट्री प्रशासन अपने हिसाब से माहौल को मैनेज करने में जुटा हुआ है। श्याम तिवारी, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश कानपुर। कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुंबई के कई वैक्सीन सेक्टर